सीबीएसई बीकॉम 2024-28 की पहली मेरिट लिस्ट आज 5 जून से सभी छात्र और छात्राएं यहां पे डाउनलोड करेंगे और आज 5 जून से ही कॉलेज नामांकन जो है वो यहां पे आपके कॉलेज में शुरू हो रहा है। तो इस तरह से जानेंगे सभी यूनिवर्सिटी का हाल कि किस तरह से आपको मेरिट लिस्ट यहां पे चेक करना है। सभी यूनिवर्सिटी ने अपना अपना यहां पे कॉलेज नोटिस जो है वो यहां पे जारी किया है और यही नहीं कॉलेज लेटर लेकर डाउनलोड करना है कॉलेज लेटर को, उसे लेकर कॉलेज जो है वो आज से पहुंचना है। तो यहां पे सभी यूनिवर्सिटी का आपको अपडेट देने जा रहे हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट जो है वो यहां पे जारी कर दिया है और छात्र जो है किस तरह से डाउनलोड करके अपने कॉलेज यहां पे पहुंचेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देने जा रहे हैं क्योंकि अब मेरिट लिस्ट का दौर जो है वो यहां पे शुरू हो चुका है। एक एक करके सभी यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट जारी कर लिए हैं। ठीक है, मैं आपको बता दें कि कल आपका मुंगेर यूनिवर्सिटी का आया था और आज भी आपका मेरिट लिस्ट जो है वो यहां पे अन्य यूनिवर्सिटी का यहां पे आ रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से देखें कैसे आपको चेक करना है सभी यूनिवर्सिटी का, इसी वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो फटाफट सभी को शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको यहां पे मिलती रहे। ध्यान देंगे कि जो भी छात्र आज जो है मेरिट लिस्ट यहां पे डाउनलोड करेंगे आज से ही कॉलेज में आपका एडमिशन जो है वो यहां पे शुरू हो जाएगा। तो मेरिट लिस्ट आपको आराम से डाउनलोड करना है, आप चाहे तो आज भी कॉलेज पहुंच कर एडमिशन ले सकते हैं या कल भी कॉलेज जाकर एडमिशन ले सकते हैं, आज से जो है आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे कॉलेज लेटर कैसे डाउनलोड करना है और कॉलेज लेकर जो पहुंचना है उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सभी यूनिवर्सिटी का अपडेट मैं यहां पे लेकर आ गया हूं, तो आइए एक एक करके सभी यूनिवर्सिटी का आपको बता देता हूं, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में आके biharnotices.in इस तरह से सर्च करना है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे एक एक यूनिवर्सिटी का मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ सबसे फास्ट और सटीक तरीके से। अब देखिएगा यहाँ पे आपको 3 लाइन यहाँ पे दिखेगा, इस लाइन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही लाइन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखिएगा यूजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, इस पर आपको फटाफट से आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे खुल जाएगा। तो एक एक करके मैं सभी यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ किस तरह से आपको कॉलेज नोटिस जो है वो यहाँ पे जारी किया गया है। तो सभी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे फटाफट तरीके से देख लीजिए। ठीक है, तो फटाफट अभी तक शेयर नहीं किए तो अभी तक शेयर कर दीजिए आप सभी को। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लें कि मुंगेर यूनिवर्सिटी ने आपका पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। ठीक है, तो जो मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले यहाँ से क्लिक करके अपना मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो ये भी मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे जारी कर रही है। आज से आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके आप अपने कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और नीचे की ओर आइएगा। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो मेरिट लिस्ट का लिंक यहाँ पे एक्टिव है। फटाफट तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है आप इस तरीके से अपना मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे 5 जून 2024 आज जो है वो यहाँ पे लिंक एक्टिव है और आज से ही आपके कॉलेज में जो है एडमिशन जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा एडमिशन कब से कब तक चलेगा, तो आज 5 जून से चलेगा, लास्ट डेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो आज 5 जून से ही आपका एडमिशन जो है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में शुरू हो रहा है। मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आर्ट्स वाले इस लिंक पे क्लिक करेंगे, साइंस वाले इस लिंक पे क्लिक करेंगे, कॉमर्स वाले इस लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर के लिए यहाँ पे क्लिक करना है जो कॉलेज का लेटर है, यही कॉलेज लेटर लेकर कॉलेज पहुँचना है। ठीक है, मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको लॉगिन हो जाना है, एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड डालकर लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, लॉगिन हो जाइएगा और यहाँ से कॉलेज लेटर जो है वो आपको डाउनलोड करके जिस कॉलेज का नाम है उस कॉलेज में जो है एडमिशन के लिए यहाँ पे पहुँच जाना है। तो ये हो गया भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, आज आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन करा लीजिए। और बैक आते हैं अदर यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मुंगेर यूनिवर्सिटी का भी जारी हो गया है और मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले भी अपना मेरिट लिस्ट इस तरह से डाउनलोड कर लीजिए। सभी यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूँ, बस देखते रहिए और सभी का कॉलेज लेटर जो डाउनलोड करने के लिए बोला गया है वो भी यहाँ पे बताया गया है, कटअप क्या है वो भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नीचे की ओर जाइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले हैं वो आज 5 जून से लेकर 11 जून तक एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं, मेरिट लिस्ट कल रात तक ही आपका आ गया था। ठीक है, अब देखिए नीचे की ओर जाइएगा तो यहाँ पर आपको बोलेगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पीडीएफ के फॉर्म में जो है मेरिट लिस्ट खुलकर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको अपना नाम जो है वो यहाँ पे देख लेना है। देखिएगा यहाँ पे नाम जो है वो यहाँ पे सभी का है, आर्ट्स का है, साइंस का है, यहाँ पर देख सकते हैं आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी का आपको मिल जाएगा। तो फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं अदर यूनिवर्सिटी का, अपडेट जो जारी किया गया सबका एक एक करके बता रहे हैं।
पाटलिपुत्रा का यहाँ पे देख लेते हैं। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की बात करें तो पाटलिपुत्रा ने भी यहाँ पे बदलाव किया, यहाँ पे तिथि जो है वो यहाँ पे पाटलिपुत्रा में भी बढ़ाई गई थी, और ये जो तिथि है वो बढ़कर यहाँ पे मेरिट लिस्ट का 6 जून कर दिया गया कि अब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट जो है वो 6 जून को जारी कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन जो है वो यहाँ पे शुरू कर दिया गया, यानी रजिस्ट्रेशन जो छात्र नहीं करवाए थे वो फिर से यहाँ पे करवा सकते हैं, और उसके बाद पहली मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे जारी कर दी जाएगी। 6 जून से आप जो है पहली मेरिट लिस्ट के तहत जो है वो यहाँ पे एडमिशन जो है वो यहाँ पे करा पाएंगे। तो जो भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के हैं बिल्कुल तैयार रहिएगा, 6 जून को आपका पहले मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन छूट गया है, नीचे लिंक पे आके आप ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे डेट यहाँ पे जारी कर दिया है, क्या वो जो इसकी तिथि में बदलाव किया गया है, और एक बार फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे शुरू किया गया है। जैसा कि आपको पहले पता था कि आपका मेरिट लिस्ट जारी होने वाली थी, लेकिन इसमें बदलाव किया गया कि अब जो छात्र ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हैं वो 4 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा सकते हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एप्लीकेशन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया, 4 जून से छात्र जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे कर पाएंगे 4 जून तक, ठीक है, जो जिनका छूट गया वो कर पाएंगे। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जो है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए नीचे जो है वो लिंक यहाँ पे लगा गया है, तो आप जो है मेरिट लिस्ट पूर्णिया यूनिवर्सिटी में 4 जून के बाद फिर से डेट जारी किया जाएगा, क्योंकि 4 जून तक जो है वो आपका ऑनलाइन एडमिशन का डेट जो है वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। 4 जून 2024 तक आपको पूर्णिया यूनिवर्सिटी में फिर से ऑनलाइन मांगा जा रहा है, और उसके बाद जो है 2 से 3 दिन के अंदर आपका पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कि यहाँ पे नया वीर कुंवर यूनिवर्सिटी का कि वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में पहली मेरिट लिस्ट किस दिन से आपको जो है वो डाउनलोड करना है, और कॉलेज में एडमिशन जो है वो आपको किस दिन से कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा वीर कुंवर यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे डेट जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि एडमिशन का लास्ट डेट जो है वो आपको 30 मई ही था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे क्लोज कर दिया गया, और जून के प्रथम सप्ताह में आपका पहली मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि 5 से 7 जून के बीच जो है वे वीर कुंवर यूनिवर्सिटी पहली मेरिट लिस्ट जारी कर देगी, और छात्र जो है वो नीचे यहाँ पे आके अपने अपने कॉलेज का जो यहाँ पे कॉलेज दिखाया गया है, सभी कॉलेज का जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उस डॉक्यूमेंट्स के अनुसार आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपको डाउनलोड करना है, और अलॉटमेंट लेटर जो है वो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मगध यूनिवर्सिटी की यहाँ पे हम बात करें तो मगध यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रेशन जो है वो मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, और जून 6 से 7 जून तक आपका मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट सब कुछ जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे संक्षेप में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और आप लोग लिंक पे क्लिक करके सामने यूनिवर्सिटी के लिंक एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा पूरे डिटेल्स में, है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है, कैसे मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना है, सब कुछ वहाँ पे दिख जाएगा। पेन नायन मंडल यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पे डेट जो है वो यहाँ पे बढ़ाया गया था रजिस्ट्रेशन का, और उसके बाद मेरिट लिस्ट का डेट भी यहाँ पे बताया गया कि मेरिट लिस्ट आपका जो है वो यहाँ पे कब जारी होने जा रहा है, ठीक है। तो भूपेन नायन मंडल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे जून के फर्स्ट वीक के अंतर्गत जो है वो आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी कर देगी भूपेन नायन मंडल यूनिवर्सिटी। तो आप लोग जो है वो यहाँ पे आके अपना मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे चेक कर पाएंगे, है ना। लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप फटाफट तरीके से आपका जो है वो यहाँ पे चेक होने लगेगा। आप लिंक पे क्लिक करके फाइनली जो है वो आप यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाइए लिंक पे क्लिक करके आप अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे देख लीजिए।